अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जमालपुर हमदर्द नगर डी में महिला की तड़के अवैध संबंधों के शक में उसके ही कथित प्रेमी ने चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी। छीना झपटी में आरोपित वह महिला का 7 साल का बेटा भी चाकू लगने से घायल हो गए हैं। महिला अपने शौहर से अलग किराए के मकान में रह रही थी। आरोपी महिला के शौहर का दूर का मामा लगता है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर डी का है, जहां 32 वर्षीय रुखसार ससुराल से कुछ दूर दो बेटों के साथ शौहर से अलग किराए के मकान में रह रही थी। करीब 10 माह पहले रुखसार का शौहर शाजेब से विवाद हो गया था। इसके बाद वो मुंबई जाकर काम करने लगा। एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर जख्मी हो गए, जिससे वो दिव्यांग की स्थिति में आ गया। पिछले दिनों वो मुंबई से घर आ गया था। शाजेब का दूर के रिश्ते का मामा दहली गेट के उस्मान पाड़ा पेंटर वाली गली निवासी अनवर खां शाजेब के घर आता जाता था। अनवर व रुखसार एक दूसरे के करीब आ गए। इसकी जानकारी जब शाजेब को हुई तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर रुखसार का शाजेब से विवाद हो गया। रुखसार मोहल्ले में ही किराए के मकान में रहने लगी। ये मकान उसे अनवर ने दिलवाया था। अनवर को शक था कि रुखसार के किसी और से भी संबंध है। अनवर तड़के करीब 4 बजे रुखसार से मिलने उसके घर पहुंचा। इन्हीं संबंधों को लेकर रुखसार व अनवर में कहासुनी हो गई। अनवर घर में ही रखा चाकू निकाल लाया। पहले उसने रुखसार को डराने की कोशिश की और फिर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया। सिर, गले, पेट, पीठ व जांघ समेत शरीर पर 10 से 15 जगह उसने वार कर दिए। जब उसने इस बात की तस्दीक कर ली कि रुखसार का बचना मुश्किल है, अनवर के हमले का रुखसार ने अंतिम सांस तक विरोध किया। उसके हाथ में लगे चाकू को छीनने का प्रयास भी किया। छीना झपटी में चाकू उसकी हथेली में जा लगा। चीख पुकार पर रुखसार के दोनों बेटे भी जाग गए। बड़ा बेटा माँ को बचाने लगा तो उसे भी हाथ में चाकू लग गया। शोर सुनकर मकान मालिक व पड़ोसी आ गए, तब हमलावर वहां से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस रुखसार को लेकर जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सर, 9 महीने से मैं अलग था उससे, वो अलग किराए पर रह रही थी। तो मैं बम्बई गया तो अपने मामा को छोड़ने, वहाँ से आया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। बम्बई में मेरा इलाज हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं परसों आया मम्मी को लेकर अपनी, तो मुझे आज सुबह सूचना मिली कि मेरी बीवी का मर्डर कर दिया गया है। किसने किया मर्डर? वो मेरे महल्ले में बाजू में रहता है, अनवर नाम है उसका। वो हमारे रिलेशन में थोड़ा सा लगता है दूर का मामा, तो वो हमारे घर पर आया और हमारी बीवी को उसने कमरा दिलाया। मकानदार का कहना है कि अनवर ने कमरा दिलाया उसको। रात को वो आया, उसने घटना की, उसे पकड़ने के लिए भागे मकानदार, तो कच्चा बनियान में भाग गया मेरे लड़के को। मैं बाजू में समय तो मुझे सर नहीं मालूम, समय तो मकानदार को मालूम है कितने टाइम पर। अब ये मुझे नहीं मालूम, जमालपुर बिजली घर बताती है। तो क्या बजे कितना पता लगे? 4 बजे करीब बताया पुलिस ने। क्या लगता है चाकू मारने की वजह? पता नहीं क्या संबंध है इसके, मैं ये नहीं जानता क्या संबंध थे। घायल हुआ कोई? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। मेरी बीवी हुआ और बेटा हुआ है मेरा। मेरा बेटे को हाथ काटा, वो चीखा जो, तो मकानदार बोला कि हम लोग उठ गए थे, मकानदार जो उठा तो वो भाग गया कच्चे बनियान में। कितनी उम्र होगी बेटे की? मेरे बेटे की 3 साल की उम्र है। कहाँ लगी? 5 साल का है बेटा। कहाँ लगी उसके? उसके बाजू में, हाथ में लगी है। और वो मेरे को देख के बोला, रोने लगा कि अब्बू अनवर ने मारा है। और मैं रोया। कौन है अनवर? आपके कौन लगते हैं? मेरे रिलेशन में मामा लगता है, बहुत दूर का। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि जमालपुर हमदर्द नगर में इस महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें प्रारंभिक चीजें पता चली हैं कि महिला की हत्या उसके ही एक रिश्तेदार द्वारा की गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी।